हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भावना लाइफस्टाइल। आज मैं आप लोगों के लिए फेस से रिलेटेड एक रेमेडी लेके आई हूँ जो आपके फेस को ग्लोइंग करेगा, स्पॉटलेस करेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको आज राइस टोनर बनाना है। राइस टोनर बनाने के लिए हमें चाहिए 3 टेबल स्पून राइस, जिन्हें हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद मैंने इसमें 1/2 कप वाटर ऐड कर लिया है, जो कि फ़िल्टर वाटर है। अब इस में हम 2 स्लाइस नींबू की डाल देंगे और इसे पूरी रात या फिर 3 से 5 घंटा आपको ऐसे ही छोड़ देना है। 5 घंटे बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जो नींबू के स्लाइस हमने इसमें डाले थे उसे अच्छे से इसमें निचोड़ लेंगे। हमें बिल्कुल अच्छे से इस वाटर में नींबू को निचोड़ लेना है ताकि हमें एक मिल्की वाटर मिले। अब आप देख सकते हैं, अब मैं वाटर का कलर छन्नी से चेंज हो चुका है। बचे हुए चावलों को आपको फेंकना नहीं है, इनकी आप बच्चों के लिए खिचड़ी बना सकते हैं। छन्नी से छानने के बाद आप इसे स्प्रे बॉटल में भर कर फ्रिज में 10 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल वाइट और मिल्की हो गया है। अब मैं इसे एक स्प्रे बोतल में भर लूँगी। इसे आप डेली मॉर्निंग में और नाइट में यूज़ कर सकते हैं, बिफोर मॉइस्चराइजर। जब भी आप फेस को वॉश करें, आफ्टर वॉश आप इस स्प्रे से अपने फेस में पूरा स्प्रे करें और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर यूज़ कर लें, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन कुछ टाइम बाद टाइट और ग्लोइंग नज़र आने लगेगी। मैं इसे खुद यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरी आज की रेमेडी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करेगा और मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय।